दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदनलाल भास्कर और आप देख रहे हैं सिल इंस्टीट्यूट का फ्री ट्यूटोरियल कोर्स। पिछले वीडियो में हम अगरबत्ती के सभी पाउडर्स के बारे में आपसे चर्चा किए थे, तो आप ये समझ गए होंगे कि इतने सारे पाउडर, बहुत सारे पाउडर मिलकर के अगरबत्ती के रेडी मिक्स पाउडर, ब्लैक रेडी मिक्स पाउडर का निर्माण होता है। अच्छी क्वालिटी के लिए इन सब चीजों को डालना पड़ता है। यदि आप गुणवत्ता लेना चाहते हैं तो उन सभी पाउडर्स को आप मिला करके रेडी मिक्स तैयार करें, या आप जो है रेडी मिक्स का काम नहीं करते हैं, रेडी मिक्स बना बनाए लेते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब पाउडर्स को मिला करके रेडी मिक्स बनाने वाली कंपनी का लिंक नीचे दी गई है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगरबत्ती के सभी पाउडर्स के क्वालिटी के बारे में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं चारकोल के बारे में। चारकोल क्या है, चारकोल कहाँ से आती है, कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से बनती है, चारकोल में क्या क्या क्वालिटीज होती है और होनी चाहिए गुणवत्ता अच्छी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले, आपको अगर नए हैं, इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को तो क्या, हमारे सभी वीडियो को आप जो है बिना स्किप किए धैर्य के साथ आप जिसको देखा करें। अगर आप स्किप करके वीडियो को भगा भगा के देखेंगे तो सारी जानकारी आपको, बारीकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, बहुत सारी जानकारी छूट छूट करके वो आपको अधूरे जानकारी मिलेगी, जिससे आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो आपसे हमें हमेशा यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी वीडियो को आप पूरी देखा करें, जो भी हम बताते हैं उसको कॉपी पेन में आप लिखा करें ताकि आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सके। चारकोल क्या है? तो चारकोल एक भूरा काला ठोस लकड़ी का जला हुआ वह अंश या भाग होता है जिसको हम चारकोल कहते हैं। वो लकड़ी यानी उड यानी लकड़ी के जले हुए भाग से तैयार की जाती है चारकोल। आप जो है घर में, जो गांव में, देहातों में जो खाना बनाते हैं लकड़ियों से, उन लकड़ी को जला खाना बनने के बाद जो उसके आग होते हैं, अंगारे होते हैं, उसको बुझा दिया जाता है पानी से। बुझा करके जो बुझ जाता है तो काला काला जो बचता है लकड़ी का अंश, उसको चारकोल कहते हैं। लेकिन वो विधि से बनी हुई चारकोल उतनी कारगर नहीं होती है। कारण क्या है, आप कहेंगे वो तो घर की है, शुद्ध है, लोग खाना बनाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन चारकोल जो अगरबत्ती में इस्तेमाल होती है या मेडिसिनल इस्तेमाल होती है, उस चारकोलों को एक विधि से बनाया जाता है अलग, उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अलग एक नाम दिया जाता है, जो हवा की अनुपस्थिति, उपस्थिति नहीं। हमारी जो महिलाएं घर में, देहात में जो खाना बनाती हैं, वो हवा की उपस्थिति में आग जला करके खाना बनाती हैं। उसमें से जो चारकोल मिलता है बनके, वो चारकोल में कार्बन जो होना चाहिए, जो उनमें कार्बन की क्वालिटी होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। आपको यदि चारकोल में सिर्फ काला काला पाउडर मिला के अगरबत्ती बनाना है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगरबत्ती में पाउडर चारकोल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो कार्बन है उसमें वो महत्वपूर्ण होते हैं, कार्बन चाहिए होता है। तो एक चारकोल में कार्बन कितना होना चाहिए, यदि आप व्यवसायिक स्तर पे चारकोल निर्माण कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आपको जो लकड़ी है, जो लकड़ी का टुकड़े है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं चारकोल, उसको हवा की
अनुपस्थिति में आपको बनाना पड़ेगा। इसका एक अलग से हम समय निकाल के वीडियो बनाएंगे चारकोल बनाने का तरीके के बारे में, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो है चारकोल की क्वालिटी के बारे में बताने की। तो चारकोल में कार्बन होनी चाहिए, जो अच्छी चारकोल है उसमें 80% की चारकोल में कार्बन होती है, वो कहना चाहिए उच्च गुणवत्ता वाली चारकोल उसको आप मानेंगे, 80% होती है। लकड़ी को 400 से 700 सेल्सियस तक हीटिंग करके यानी गर्म करके, हवा की अनुपस्थिति में जो जला करके बनाई जाती है उसमें आपको ये कार्बन 80% तक मौजूद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसका एक विधि वही है। इसकी जो विधि है एक बहुत लंबी टॉपिक है, इसमें हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि आपके लिए जो अगरबत्ती में जो आप ब्लैक रेडी मिक्स तैयार करने जा रहे हैं या रेडी मिक्स आप कहीं से ले रहे हैं तो कार्बन कितना परसेंट है। अच्छी क्वालिटी का चारकोल इस्तेमाल करेंगे, रेट अच्छा रहेगा। रेट अगर आप सही रेट में खरीद रहे हैं चारकोल तो उसमें कार्बन की मात्रा सही रहेगी, तो आपकी अगरबत्ती में क्वालिटी सही आएगी। यदि आप सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं तो उसमें क्या है, चारकोल में जो चारकोल काला काला दिखता है उसमें मिट्टी की मात्रा होती है या बहुत सारे और डुप्लीकेट धूल या डस्ट होते हैं, जो चारकोल आपको दिखता कुछ नहीं है, काला काला बस दिखेगा, उससे क्वालिटी आपको समझ में नहीं आती, जिसके वजह से आप शिकायत करते हैं अगरबत्ती में ये प्रॉब्लम है। तो हमारी यही आपसे विनती रहती है कि आप जो है हमेशा हर चीज को गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाली जो रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल किया करें। तो चारकोल में 80% का कार्बन होना चाहिए, तब वो चारकोल आपका 100% कहना चाहिए, वो क्वालिटी आपको देगी। हम कहते हैं मार्केट में यदि आपको 80% चारकोल नहीं मिल रहा है तो आप अगर स्वयं बनाना चाहते हैं तो चारकोल बनाने की जो मशीनें हैं, चारकोल आप जिस मशीन में बनाएंगे, जिस भट्टी में बनाएंगे, उसका विधि पूरा सिस्टम आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कंपनी का जो सिल इंजीनियरिंग का जो साइट है वहां से आप परचेस मशीन का कर सकते हैं, स्वयं तैयार कर सकते हैं। यदि आपको रेडीमिक्स में चारकोल अच्छी क्वालिटी का या बाकी जो पाउडर है वो भी अच्छी क्वालिटी का अगर मिला मिलाया जो अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कंपनी का सिल परफ्यूमर्स एंड केमिकल्स का जो रॉ मटेरियल है उससे आप वहां जाकर उनकी लिंक दी गई है वहां से खरीदी कर सकते हैं। अब जो बात आती है चारकोल की जो क्वालिटी जो होती है, तो चारकोल में जो मानक वैल्यू जिसको कहा जाता है, जो सिस्टम से बनाया जाता है, उस विधि का एक नाम है। हालांकि अभी उस विधि की ओर हम घुसेंगे तो वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये जो इसका जो है आपका 29,000 से 35,000 वैल्यूएबल उसकी जो क्वालिटी होती है चारकोल की, जो एक विधि जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ता है। फिर उसको जो ग्राइंडिंग यानी पीसने का जो सिस्टम होता है उसमें भी फर्क पड़ता है, ताकि आपका कार्बन खराब ना हो, कार्बन नष्ट ना हो, उसको इस विधि से आप उसको पाउडर बनाएंगे उस चारकोल के जो हार्ड मटेरियल होगा उसको। तो आप देखिए, आप समझ रहे हैं कि चारकोल में बहुत लोगों को हम सीरियसली बताते हैं, हमारी कंपनी सीरियसली बोलती है लोगों को कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगरबत्ती का बिजनेस, छोटा मोटा चीज नहीं है, आप उसको सीखिए। लोगों को प्रॉब्लम है सीखने से, बिजनेस तो करना चाहते हैं लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग वक्त सीखना नहीं चाहते, क्योंकि सीखे बिना कोई भी बिजनेस में आप कूदते हैं या उतरते हैं तो बिजनेस आपका पूरा 100% सफल खड़ा नहीं होगा। आपको सीखना है, हमारा सिल इंस्टीट्यूट इसी उद्देश्य से बनाया गया है। आप हमारे वीडियो को वॉच किया करें, देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी हमारा वीडियो आए आप उसको देखें और उसमें जितना भी जो चीज जानकारी आप दी जा रही है उसको कागज पेन में लिखिए, क्योंकि मानव स्वभाव होता है जो हम अपने दिमाग में जो कुछ डालते हैं, बहुत सारे लोग इतना होशियार ही अपने आप को होशियार समझते हैं, हम तो जीनियस हैं, बेशक आप जीनियस होंगे, आप
का दिमाग बहुत तेज चलता होगा, लेकिन एक मानव स्वभाव है जो हमारा दिमाग है, क्योंकि हम पैसे से डॉक्टर हो तो मुझे पता है हमारा जो मानव स्वभाव है या हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग में कुछ दिन के बाद कोई भी चीज को भूलने की धीरे धीरे भूलने की पावर है। इसको कमी मत कहिए, भूलने की कमजोरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूलने की शिकायत है, कमी है, कमी नहीं है, भूलने की पावर है, पावर होनी चाहिए भूलने की। अगर इंसान नहीं भूलेगा, मान के चलिए छोटी सी उसके घर में कोई दुखद घटना हो गई, वो घटना को आदमी जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा तो पूरी जीवन उसका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने हमको भूलने की पावर दिया है, उस दिन के बाद भूलते। उसी प्रकार से ये दुखद घटना क्या अच्छी घटना को भी या कोई हम पढ़े लिखे चीजों को भी भूलने की हमारे में पावर है, तो भूल जाना पड़ता है, दिमाग से उतर जाता है। इसलिए कागज पेन में लिखना जरूरी होता है। आप कितना भी दिमागदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप कागज पेन में जो भी टॉपिक बताया जाता है उसको लिखिए। लिखने में क्या हर्ज है, कोई परेशानी नहीं है। लिखेंगे तो आपको अगर दिमाग से उतर जाता है, कुछ दिन बाद उसको फिर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चारकोल के बारे में आपको सही जानकारी आपको जो आज मिली है उसको विशेष आप लेकर के चले। चारकोल में फिर एक बार सुनिए, 80% कार्बन होनी चाहिए। 80% अगर नहीं भी होती है तो कम से कम 50% यानी 40% चारकोल यदि आपके अगरबत्ती वाली पाउडर रेडी मिक्स में नहीं डल रही है तो आप समझ लीजिए धूल और मिट्टी यानी काली मिट्टी से आप अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं। वो अगरबत्ती अब कैसे होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो चारकोल जो होता है अहम रोल अदा करता है अगरबत्ती के लिए। अब हम और आने वाले टॉपिक में जब हमारा पाउडर का विस्तृत जानकारी, सभी पाउडर का विस्तृत जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम इन पाउडरों के अलग अलग जो कैटेगरी होता है कि अगरबत्ती में इसका क्या रोल है, इस पाउडर का क्या रोल है, उस पाउडर का क्या रोल है, इन सारी टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। यकीन मानिए ये हमारा बिजनेस, ये हमारा वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, बशर्ते हम जो ज्ञान बांट रहे हैं डिपेंड ये करता है, महत्व तो ये है कि आप उसको कहां तक लेते हैं। क्योंकि अक्सर फ्री में पाने वाली चीज, चाहे वो नॉलेज हो या कोई भी वस्तु हो, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इंसान का स्वभाव है, मानव स्वभाव है, फ्री में मिलने वाली चीज का कोई कदर नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति कदर करता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग कदर नहीं करते हैं, कुछ लोग कदर करते हैं, वो वैल्यू समझते हैं, नॉलेज समझते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा हमारा वीडियो। तो हमारे वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए शुरू से अंतिम तक देखा करें। हमारे वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हर वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, हर वीडियो को देखा करें और उसको कागज और पेन में लिखा करें। चारकोल बनाने की विधि हम फिर कभी वीडियो में बनाएंगे। आज अभी जो हमारा सीजन चल रहा है वो सिर्फ चार पाउडर के क्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो चारकोल की क्वालिटी आप समझ ही गए होंगे, और विस्तृत पूरे डिटेल चर्चा होगी जब इसके मैन्युफैक्चर चारकोल बनाने की प्रोसेस आती है, उस समय हम वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए इतना जानना ही जरूरी है कि चारकोल में कार्बन 80% होना अनिवार्य है, तभी तो आपकी अगरबत्ती की क्वालिटी आएगी। अगर 80% नहीं है तो कम से कम 50% तो होना जरूरी है। यदि 50% भी नहीं है तो वो चारकोल किस काम का जिसमें कार्बन ना हो, तो आपकी वो अगरबत्ती का कोई रोल अदा ही नहीं करेगा। तो आप जो है इस जो आप रेडी मिक्स तैयार करेंगे उसमें विशेष ध्यान देंगे कि आपके जो चारकोल आप रेडी मिक्स तैयार कर रहे हैं वो कैसा है। अब आज की वीडियो चूंकि यहीं तक होगी, चारकोल पाउडर के बारे में विस्तृत जानकारी उम्मीद करते हैं आप इसको डायरी में अपना लिख चुके होंगे। एक बार फिर दोहराते हैं, चारकोल पाउडर में आपका कार्बन 80% तक होनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं 40 से 80% तक होनी चाहिए।
यदि 40-80% तक है तो क्वालिटी आपकी जितने लेवल पे है उसके हिसाब से क्वालिटी आपको मिलेगी। अगर 80% आपको कार्बन मिल रहा है आपके चारकोल में तो 100% आपका अगरबत्ती बोलेगा। जो भी आपका अगरबत्ती खरीदेगा सस्ता भी उसमें परफ्यूम डाल देंगे तो भी बोलेगा। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगरबत्ती जब बना रहे हैं आप अपने ब्रांड के लिए बना रहे हैं तो आप उच्च गुणवत्ता वाली ही प्रोडक्ट यानी कच्चे माल का इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जाते जाते फिर बोलूंगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, यदि आपके दोस्त इस व्यवसाय में है उन्हीं को शेयर करें। अगर कोई भी आपके रिश्तेदार है इस लाइन में तो उनको ये जानकारी पहुंचाएं। लेकिन यदि ये वीडियो वो कोई व्यवसाय नहीं करते हैं अगरबत्ती में तो ये वीडियो आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले पाउडर की विस्तृत चर्चा के लिए। नमस्कार।